पाकुड़ जिले में हिंदुओं और आदिवासी झारखंड छोड़ो ऐसे नारे लगते हैं। मुझे बताओ, ये भूमि हमारे आदिवासियों की है या रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की है? जोर से बोलो, आदिवासियों की है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? इसको बचाना है या नहीं बचाना है? क्या हेमंत बाबू बचा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी बचा सकती है? कौन बचा सकता है? केवल और केवल नरेंद्र मोदी बचा सकते हैं, भाजपा बचा सकती है। मैं आज कहकर जाता हूं, आप यहां कमल फूल की सरकार बनाओ, एक घुसपैठिए को हम उल्टा लटका कर सीधा करने का काम हम करेंगे। भाई, दो रोज पहले इंडिया का होम मिनिस्टर अमित शाह बांग्लादेश के शहरियों के खिलाफ भड़काऊ भाषण झारखंड के अंदर देता रहा, जिसमें उसने ये कहा कि मैं बांग्लादेशी जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं उनको उल्टा टांग दूंगा झारखंड के अंदर अगर हमारी यहाँ पर सरकार आ जाती है तो। लेकिन आज थोड़ी देर पहले, कुछ ही घंटे पहले, इंडिया की जो BSF है उसका एक सोल्जर बांग्लादेश के अंदर इन्फिल्ट्रेट करते हुए यूनिफॉर्म समेत पकड़ा गया है। यानी बांग्लादेश के अंदर यूनिफॉर्म पहन के ये इन्फिल्ट्रेट कर रहा था, जिसको बांग्लादेश की BGB ने पकड़ लिया है और पकड़ के उसको जेल में बंद कर दिया है। अब अमित शाह जरा ये भी बता दें कि इनके जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं इस तरह के, इनके साथ बांग्लादेश को क्या करना चाहिए? उल्टा टांग देना चाहिए या सीधा टांग देना चाहिए या फिर तिरछा करके टांग देना चाहिए? ये जरा अमित शाह खुद बता दें कि उनके इन्फिल्ट्रेटर्स के साथ किस तरह का रवैया बांग्लादेश को अपनाना चाहिए। अच्छा, मीनवाइल नाज़रीन, अमित शाह की ये जो सारी बोंगियां हैं ये अपनी जगह, लेकिन आज जो बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है, तारीखी मीटिंग मैं कहता हूँ, बांग्लादेश की डिप्लोमेटिक हिस्ट्री की तारीखी मीटिंग होने जा रही है बाइडन और प्रोफेसर यूनिस के दरमियान। अच्छा, तारीखी क्यों है? तारीखी इस वजह से है कि एक तो इंडिया ने मुकम्मल अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स इस्तेमाल कर लिए बांग्लादेश और अमेरिका के टाइज खराब करने के लिए, लेकिन वो बुरी तरह से नाकाम रहे, और ये जो मीटिंग होने वाली है आज ये उसका प्रूफ है कि इंडिया की दाल नहीं गली। इंडिया ने कोशिश की, मोदी फोने भी करता रहा बाइडेन साहब को, मोदी खुद भी जाकर चुगलियां लगाता रहा क्वाड के इजलासों के अंदर, लेकिन उस सब के बावजूद अमेरिकन प्रेसिडेंट मुलाकात कर रहा है बांग्लादेश के इंटरिम लीडर मोहम्मद यूनिस के साथ। अब हिस्टोरिकल क्यों है? एक तो इस वजह से हिस्टोरिकल है कि डिप्लोमेटिक महादों पर यह बड़ी विक्ट्री है बांग्लादेश की, और दूसरा इस वजह से हिस्टोरिकल है कि 30 साल हो गए हैं, 3 decades हो गए हैं, और इन 30 सालों में कभी भी टॉप के लेवल पे मुलाकात नहीं हुई बांग्लादेश और अमेरिका के लीडरों के दरमियान। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, फर्स्ट टाइम इन 3 decades ऐसा हो रहा है। अच्छा, उन 30 सालों में 15 साल तो आप लगा लीजिए अवामी लीग के, अवामी लीग वाले तो इंडिया पे सारा का सारा, उनका दारोमदार ही इंडिया पे था ना, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता था वेस्ट क्या सोचता है, अमेरिका क्या सोचता है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन ये जो नई सरकार आई है इनकी फॉरेन पॉलिसी ज़्यादा ओपन है और ये ज़्यादा मुल्कों के साथ इंगेज होने में दिलचस्पी रखते हैं, तो इस हिसाब से ये एक हिस्टोरिकल लम्हा आप कह सकते हैं कि 30 सालों में पहली मरतबा किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट की मीटिंग बांग्लादेशी लीडर के साथ हो रही है। अच्छा, इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं, इसके अंदर इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे बात होगी, इसके अंदर डिप्लोमेटिक जो रिलेशन हैं उनको स्ट्रेंथन करने पे बात होगी, सारा कुछ होगा, इंडिया भी डिस्कशन में आ सकता है। मोदी साहब ये ना समझें कि सिर्फ वही उधर बैठ के चुगलियां लगाएंगे और उनके खिलाफ जवाब नहीं दिया जाएगा, जवाब होगा, हो सकता है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, लेकिन बांग्लादेश का जो जवाब होगा वो हेट स्पीच की तरह नहीं होगा, जिस तरह वो बैठ के हेट स्पीच दे रहे होते हैं ना, बांग्लादेश का जवाब इस तरह से नहीं होगा। बांग्लादेश का जवाब आपको जो नज़र आएगा ये डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स और डिप्लोमेटिक जो उसूल और आदाब होते हैं उसके दरमियान रहकर वो देंगे। अच्छा, अब इस मीटिंग के एजेंडास क्या क्या हैं उस पर ज़रा बात करते हैं, लेकिन पहले वो जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको इंडियन BSF के इन्फिल्ट्रेटर की
स्टोरी बताइए, उसका रेफरेंस दिखा दूं आपको। ये न्यू एज बांग्लादेश में आप पढ़ सकते हैं। थोड़ी देर पहले रिपोर्ट हुआ, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड डिटेन्स इंडियाज बीएसएफ मेंबर फॉर ट्रेसपासिंग। ये इन्फिल्ट्रेटर था, इलीगल इन्फिल्ट्रेटर, इसको बीजीबी ने पकड़ लिया है। इनको लगा कि अब भी शायद वो शेख हसीना का जमाना है तो आसानी के साथ घूम फिर कर वापस आ जाएंगे, या जो भी कार्रवाई डालनी होगी तो हम डाल के वापस आ जाएंगे। लेकिन पकड़े गए, जैसे ही दाखिल हुए बांग्लादेश के अंदर पकड़े गए। नाउ आते हैं उस पर कि ये जो प्रोफेसर यूनिस और बाइडेन की मीटिंग है उसके अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस होंगी। प्रथम वालो कहता है कि यूनिस बाइडेन मीट टुडे, रिफॉर्म असिस्टेंस गेट्स प्रायोरिटी, इंडिया इशू में कम अप। रिफॉर्म असिस्टेंस यानी वहां पर जो अवामी लीग ने गंद मचाया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और दीगर जगहों पर, उन्होंने जो बहुत ज्यादा अपने फायदे के लिए काम किए हुए हैं और अपने फायदे के लिए सिस्टम को तबाह किया हुआ है, ये सारी की सारी जो तबाही है उसको रिवर्स करने के लिए रिफॉर्म्स आ रहे हैं, इसमें अमेरिका की असिस्टेंस वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। और अमेरिकन्स की असिस्टेंस आएगी इनको, बाय द वे अमेरिकन्स ने इनको अश्योर किया हुआ है नई सरकार को कि हमारी एंड से जो भी आपको तआवुन चाहिए वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। और इसमें वो कहते हैं कि नो बायलेटरल मीटिंग बिटवीन एनी टॉप लीडर ऑफ बांग्लादेश एंड द यूएस प्रेसिडेंट हैज बीन हेल्ड ओवर द पास्ट थ्री डेकेड्स। द हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ऑलवेज मेट एंड हैड कन्वर्सेशंस एट द रिसेप्शन होस्टेड बाय द यूएस प्रेसिडेंट। और वो कहते हैं, अ सोर्स इन न्यूयॉर्क सेड द बाइडेन यूनिस मीटिंग मे लास्ट फॉर 30 मिनट्स, डिक्लाइनिंग टू डिस्क्लोज डिटेल्स ऑन वेदर अदर मेंबर्स फ्रॉम बोथ साइड्स वुड ज्वाइन द मीटिंग। From US side, issues related to providing all-out economic cooperation to Bangladesh will get importance. Besides, Dhaka may receive Washington's commitments on cooperation for reform and good governance to law enforcement agencies. अब इसका साफ साफ मतलब ये है कि full scale की cooperation आपको नजर आएगी अमेरिका से बांग्लादेश की तरफ, which is good, ये अच्छा है। देखें, economic cooperation जो है ना, ये कोई बुरी बात नहीं होती। अमेरिकन्स और चाइनीज, आप देखें कितनी ज्यादा इनके दरमियान आपस में कोल्ड वार चल रही है, लेकिन दोनों के दरमियान इकोनॉमिक कोऑपरेशन तो है ना, दोनों एक दूसरे के टॉप के ट्रेड पार्टनर्स में आते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ और भी ऐसे ममालिक हैं जिनके आपसी ताल्लुकात बहुत खराब हैं, लेकिन ट्रेड और कमर्शियल एक्टिविटीज दोनों उन मुल्कों के दरमियान आपको होती हुई नजर आती हैं। तो इट्स गुड कि बांग्लादेश फायदा उठा रहा है, कम से कम इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटीज अराइज हो रही हैं अमेरिकन इन्वेस्टर्स और अमेरिका की जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको जो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएं उनको वो लेनी चाहिए। क्योंकि ये जो वेस्ट वाले हैं, मैं हमेशा से यहां कहता रहा हूं, अमेरिका और वेस्ट वाले बांग्लादेश की टॉप की एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में से हैं, लिहाजा इनके साथ टाइज बना के रखना बांग्लादेश की मजबूरी भी आप कह सकते हैं। कि किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, अमेरिका के साथ बांग्लादेश को टाइज बेहतर रख के चलना चाहिए, शेख हसीना की तरह नहीं होना चाहिए। उनकी तो वेस्टर्न पॉलिसी डिजास्टर थी ना, वेस्ट के साथ उनके टाइज थे बहुत ही बुरे थे और उनको इससे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ रहा होता। तो ये बहुत अच्छी एक शुरुआत हमें नजर आ रही है बांग्लादेश और अमेरिका के टाइज के अंदर। Thank you.